मेरी बेटी। लड़की थोड़ा काम करती है, लड़के भी थोड़े काम करते हैं। यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, जैसे आए थे तो हम लोग घर से जा नहीं सकते। पहले पूजा, इसके बाद खाना। जा रहे हैं मेडिकल, घर में बच्चे। एवरीवन, वेलकम बैक टू नो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मज़े में होंगे। एक जने से मिलवाना चाहती हूँ। ये देखो, ये है मधु, मेरी बेटी। अच्छी दिख रही है ना, कितनी क्यूट है। एक कल ही आई है मेरे पास, तो अभी मैं दिखाती हूँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ा घूमने, तो अभी आपको दिखाती हूँ। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। अभी शाम के 6 बज गया, तो हम लोग अभी शाम को जा रहे हैं, तो बने रहो। तो गाइस, अभी मैं बंद कर रही थी खिड़कियाँ, दरवाजे सब, क्योंकि ऐसे खोल के तो जा नहीं सकते। मेरी दीदी है, मम्मा है, पानी पी रही है, ये मैं हूँ। बाहर को दिखाता हूँ, हम लोग बाजार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है चल के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और मेरी दीदी है। हाँ, तुम्हारी दीदी, दीदी भी बाजार जा रही है। हाँ। Hey guys, तो हम मार्केट से आ गए हैं। ये देखो किरा दे क्या यहाँ, और हम लोग पी रहे हैं लीची ड्रिंक। तो देख सकते हो आप लोग कैसा है, टेस्टी है ना। तो चलो पीते हैं। हाँ, क्या मजा आया, चलो पीते हैं। सुबह मेरा हो गया, मजीद गई। दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ मार्केट से। इतना ही सामान लेकर आई हूँ मैं, सब जगह जगह पे रख देती हूँ, बंद करो। हे एवरीवन, तो कल हम लोग ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं रख पाए, उसके लिए सॉरी। और क्या था ना, मार्केट चले गए, इसके बाद वहाँ से लेट से आए, क्योंकि और फिर थक गए थे काफ़ी। अभी काफ़ी दिनों से जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इसके बाद से मैंने बाहर नहीं निकले। और जब कल निकले थे हम लोग बाहर, इसके बाद ना थोड़ा कमज़ोरी फील हुआ मुझे, थकावट। अगर अकेले रहता था तो उसकी दीदी आ गई है, तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे साथ कितना खेलेगा आखिर। तो और वो भी बच्ची है, तो अभी अपने दीदी के साथ ही वो मस्त टाइम बिता रहा है। और मैं भी खुश उन दोनों को देखकर, क्योंकि अभी मैं क्या हुआ था ना कि बहुत, आप लोगों को तो जैसे कि पता है मैं अभी कितने प्रॉब्लम में थी, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इतना सारा टेंशन में, और अकेली रहती थी, तो घुट घुट के जीना जैसे लग रहा था, क्या करूँ मतलब, थोड़ी भी कुछ नहीं, जैसे कि सोई रहूँ तो सोई, लेटी रहूँ तो ऐसे लेटी रहूँ, ऐसे देखती रहूँ बस, क्या है यानी कुछ, कोई बात करने के लिए मिलते नहीं। टाइगर तो छोटा सा बच्चा, उससे कितना बात करूँ, क्या करूँ, वो तो समझेगा नहीं मतलब फीलिंग, उसको कुछ अपना दर्द भी बताओ तो समझेगा नहीं, और बच्चे को तो नहीं बताओगे ना ये सब क्या है क्या नहीं। तो अभी थोड़ी सी मतलब मधु मतलब थोड़ी बड़ी है, तो उसके साथ मैं बात करती हूँ, काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहते हैं, काफ़ी समय बिता देते हैं बातें करते करते, पता ही नहीं चलता। और ऐसे भी मधु को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो फिर अभी आई है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, टाइगर भी खुश है, और हम लोग अच्छे से मतलब पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है। रात में 12 बज जाएगा सोते सोते, लेकिन पता ही नहीं चलता है ना बेटा। खुश है ना दीदी आई है तो? कितना खुश है बताओ, कितना ज़्यादा। कहाँ घूम रहा बाबू, कहाँ गया था, कहाँ गए तो बता के जाओ। नजारे देख रहा था। नजारे देख रहा था। हाँ। अभी बाद में नजारे देखने जाना। आ जाओ, देखो मैं ये सत्तू के साथ नींबू डाल के पूरा बना रही हूँ, ये देखो। पीना है? नहीं। अभी जाएंगे हम सब नजारे देखने जाएंगे, आ जाओ अंदर आओ। आ जाओ अभी। हम लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी बाद में जाएंगे, अभी काम है ना थोड़ा सा। आ जाओ, गेट बंद कर दो। अभी मैं टाइगर को बोल दी कि जाओ क्लास लेकर बाहर रख दो, तो टाइगर गुस्सा हो गया है, वो बोला कि मैं नौकर हूँ, तो जाके वहाँ बैठा है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है।
ये देखो गुस्सा है। क्या हुआ बिट्टू, क्यों बैठे हो अकेले, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? कुछ हो मम्मा छे, अरे मतलब बेबी थोड़ा सा मम्मा बोल दी गिलास रख दो तो क्या हो गया। अच्छी बात है ना, उसमें नौकर वाली बात कौन सी हुई। ऐसे मजाक क्यों करते हो, चलिए चलो अभी बर्तन वर्तन कर लेती हूँ मैं ना, इसके बाद हम लोग तुम दोनों को घुमाने जाओगे बाहर। नहीं मैं लगा लूंगी, लगा लूंगी तो तुम दोनों को इसके बाद घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है। दीदी को झाड़ू लगाने, नहीं नहीं दीदी झाड़ू लगाने थोड़ी आई है, लड़कियां ज्यादा काम नहीं करते, लड़के ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। लड़की ज्यादा थोड़ा सा काम करती है, लड़की थोड़ा काम करती है, लड़के भी थोड़े काम करते हैं, सब मिल जुल के थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, ठीक है। अब से नहीं बोलना कि मैं नौकर हूँ, कि मैं मालिक हूँ, कि मैं ये तो मैं नहीं करूँगा, कि मैं ये वो, ठीक है। सब करेंगे हाँ मिलजुल कर, मिलके। तो हम लोग तैयार व्यार हो के सोचे थे जाएंगे बाहर घूमने, तो क्या हुआ कि आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, और हम लोग जाने वाले थे घूमने, अब कैसे जाएंगे, जाना पड़ेगा। भीग के क्यों जाएंगे, जाएंगे जरूरी थोड़ी है ना जाना है। तो गाइस देखो पानी अगर रुक गई तो जाएंगे हम लोग, वरना फिर नहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और हवा भी चल रहा है साथ में, और ये देखो मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है ना। तो बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और लाइट चली गई है तो अंधेरा है, लेकिन हम लोग दरवाजा वरवाजा खुला करके रखे ना तो रोशनी प्रॉपर आ रही है हम लोग तरफ। देख रहे हो बारिश तो रुक नहीं रही है बल्कि और तेज हो रही है, तो अब लगता है नहीं जा पाएंगे हम लोग। जाएंगे मामा, जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, मैं तो तैयार हूँ। टाइगर तैयार है कब से बोल रहे, मैं तो तैयार। गाइस तो हम बाहर घूमने नहीं जा पाए क्योंकि बारिश रुकी नहीं, और जैसे बारिश रुकी मेरे हस्बैंड आ गए, इसके बाद फिर उनको खाना वगैरह देते, और फिर वो जैसे आए थे तो हम लोग घर से जा नहीं सकते थे ना, इसलिए फिर नहीं गए। तो अभी अंधेरा हो गया है और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, आटा वाटा गूंद के, देखो आटा लेकर रखा मैंने, आटा गूंद लिया मैंने, और ये देखो यहाँ पे मैंने सब्जी वब्जी काट वाट के धो धा के रख ली है मैंने। सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, और इसके बाद मैंने अभी पूजा भी करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, इसके बाद पूजा करूँगी। तो आप लोग देखो ठीक है, पूजा करने टाइगर को बोलते हैं, चलो पूजा करने। क्यों पहले पूजा इसके बाद खाना, पूजा करो फिर खाना मिल जाएगा। अरे चना चबा रही है, जाके कुल्ला उल्ला कर लो, हाँ पूजा करेंगे। मेरा खाना वाना बन गया और अभी मेरा एक दवा ख़त्म हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं मेडिकल दवा लेने, और बच्चे रहेंगे घर में। घर में रहना, मोबाइल देख कर, कोई भी दरवाज़ा खोल हुआ है खोलना मत, लोग आएंगे तो दरवाज़ा खटखटाएं, आवाज़ देगी तो खोलो, ठीक है। अभी जा रहे हैं मेडिकल, घर में बच्चे बस हैं दो जन ही, अभी थोड़ी देर पहले इधर बारिश हुई है, बहुत ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उसके बाद फोन की थी किसके पास, मतलब पूरा मत दीजिएगा, हाँ। तो गाइस यहाँ पे आए हम समोसा ले लेते हैं बच्चों के लिए, बोलिए। तो घर आ गए हम लोग, बच्चे दरवाजा खोल रहे हैं। पूरा खोल दो, गाड़ी लेकर आएंगे हम लोग, खोल दो। ये देखो ये सब सामान लेकर आए हैं, तुम लोग के लिए क्या लेकर आए हैं बताओ। इसमें लस्सी है और
ये है समोसा, ये समोसा है ब्रेड, और मेरा दवा देख लो लोग जा रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं, पहले जिसमें सब लोग सवाल आए उसको खाते हैं हम लोग, और करते हैं वीडियो को यहाँ पे एंड। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।